बिहार की महागठबंधन सरकार में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब नवादा में आरजेडी विधायक विभा देवी के गुरुवार को नवादा में सर्किट हाउस में हंगामा करने का मामला सामने आया है। दरअसल उद्योग मंत्री समीर महासेठ की बैठक में विभा देवी को नहीं बुलाया गया तो वह डीएम पर भड़क गई। उन्होंने मीटिंग रूम के गेट पर ही सबके सामने हंगामा खड़ा कर दिया। इसके बाद किसी तरह से वहां मौजूद लोगों ने विधायक को शांत कराया। जानकारी के मुताबिक नवादा विधायक विभा देवी को जिले के प्रभारी मंत्री सह बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने मुलाकात के लिए बुलाया था। वह उनके आने से पहले ही करीब 2:30 बजे सर्किट हाउस में पहुंच गए और इंतजार करने लगी। करीब 3:45 तक इंतजार किया और इसी बीच मंत्री आए तो डीएम ने उनके साथ बैठक शुरू कर दी। विधायक विभा देवी के वहां पर मौजूद रहने की जानकारी मंत्री को नहीं दी गई। इस कारण समीर महासेठ भी बड़ी देर तक डीएम के साथ बैठक करते रहे। बैठक खत्म होने के बाद जब मंत्री समीर महासेठ मीटिंग रूम से बाहर निकलने लगे तो विधायक विभा देवी भड़क गईं। उन्होंने मंत्री की उपस्थिति में ही डीएम के प्रति कड़ी नाराजगी जताई। विभा देवी ने आरोप लगाया कि डीएम ने उन्हें मंत्री से मिलने में बाधा डाली। उनका कहना था कि कायदे से देखा जाए तो ऐसी बैठक में जनप्रतिनिधि भी होते हैं, लेकिन डीएम ने इसकी कोई सूचना नहीं दी। इतना ही नहीं, विधायक ने कहा कि डीएम को उन्होंने फोन किया तो उन्होंने रिस्पांस भी नहीं दिया। ऐसी अप्रत्याशित स्थिति होने पर भी डीएम तत्काल वापस लौट गई। हालांकि इसके बाद जिले के प्रभारी मंत्री के साथ नवादा विधायक एमएलसी अशोक कुमार की लंबी वार्ता चली और उन्होंने दोनों से जिले का हाल लिया। इस मामले में मौके पर मौजूद एमएलसी अशोक कुमार ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि डीएम ने उनके फोन को भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, जबकि ऐसी बैठकों में जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की परंपरा रही है। स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विथ एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल।